लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। खरगोन जिले के दो शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई कर FIR दर्ज कराई गई है। मामले के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल मामला सेगांव विकास खंड का है, जहां केली क्षेत्र के एक शासकीय स्कूल का डिप्टी कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान पदस्थ दोनों शिक्षक नदारद मिले। वहीं 4000 रुपए मासिक वेतन पर 8वीं फेल युवक से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, जिसका मौके पर पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया गया था। अब आगामी कार्रवाई के नाम पर स्कूल में पदस्थ दोनों शिक्षकों को निलंबित कर FIR दर्ज कराई गई है। मामले में जिला कलेक्टर गोपाल चंद डार्ड ने वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हां, मुझे जैसे नेक्स्ट डे सूचना मिली, हमें पता लगा कि वो दो टीचर एब्सेंट थे और एक टीचर के एवज में कोई गांव का लड़का पढ़ा रहा था। हमने FIR दर्ज कर दी है। उस टीचर के खिलाफ भी 419-420 का केस दर्ज हुआ है और इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वो जो लड़का है जो उसके एवज में पढ़ा रहा था, उसको भी फौजदारी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। मैं सभी से मैंने उनको सस्पेंड भी कर दिया है और पूरे ज़िले में ये मैसेज दे दिया है कि यदि कोई टीचर्स ऑफिस सर्विस नहीं करेगा या उसके एवज में किसी को रखेगा तो वो फौजदारी कार्रवाई का दायी होगा। केवल डिसिप्लिनरी एक्शन से काम नहीं चलेगा, फौजदारी कार्रवाई अब की जाएगी लगातार। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।